डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एसिडिटी के रीजन चल रहे थे, उसमें अम्लीयता के रीजन आपने पढ़ लिए थे, उसी में बात करेंगे अम्लीयता किसके प्रोपोर्शनलिटी होती है और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसके तो समानुपाती होती है और किसके व्युत्क्रमानुपाती, इसमें पीके और पीकेबी मानों की तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ से एक रिलेशन होता है, अम्लीयता जो होती है अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के एसिड कॉन्स्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के। अम्लीयता जो है वो के ए के समानुपाती होती है और पी के ए के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसमें क्या होता है, एक अम्ल के लिए के ए का मान जितना ज्यादा होगा वह पी के ए का मान जितना कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। ये तो कन्फर्म है, के ए का मान बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पी के ए का मान कम होगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पी के ए का मान ज्यादा होगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पी के ए का मान कम होगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि मैंने बोला कि एक अम्ल के लिए के ए का मान जितना ज्यादा होगा वह पी के ए का मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी क्या हो जाएगी, अधिक। क्लियर है? तो फिनोल वे प्रतिस्थापी फिनोल जो होते हैं उसकी अम्लीयता की जो तुलना है वो निम्न प्रकार से की जाती है। किस प्रकार से करेंगे, फिनोल वे प्रतिस्थापी फिनोल की अम्लीयता की तुलना, बात कर रहे हैं फिनोल वे प्रतिस्थापी फिनोल की अम्लीयता की तुलना। फिनोल वे प्रतिस्थापी फिनोल की अम्लीयता की तुलना, देखो यहां पे यौगिक का नाम उसका सूत्र पीकेएम। फिनोल में प्रतिस्थापी फिनोल की जो अम्लीयता की जो तुलना है वो किसके मानों के आधार पे कर रहे हैं, पीकेए के मानों के आधार, के मानों के, पीकेए के मानों के आधार, यानी पीकेए का मान डिसाइड करके अपन एसिडिटी शो को देखेंगे। क्योंकि आपको अम्लीयता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अम्लीय करेक्टर किसका हो जाएगा यहाँ पे, NO2। क्योंकि आपको पता है NO2 समूह क्या करता है, एसिडिटी खींचेगा तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। फिर किसका होता है, फिनोल का, सिंपल का। और फिर क्या होता है, प्रतिकर्षी समूह जुड़ जाए एल्किल समूह, फिनोल है और यहाँ पे जुड़ जाए आपका CH3। तो यानी कि CH3 क्या करता है, प्रोवाइड करता है यहाँ से। तो अम्लीयता सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की। फिर किसकी होती है, फिनोल की। और फिर किसकी होती है, टूमेथिल फिनोल की, एन्क्रिसोल बोल सकता हूं। तो यौगिक का नाम सूत्र पीके के मानों के आधार पर किस प्रकार कर रहे हैं, सबसे पहले फिनोल यौगिक का नाम क्या है, फिनोल। सूत्र क्या होता है, पीके का जो मान होता है वो होता है 10.0। पीके का मान कितना होता है फिनोल की, 10.0। ऐसे यहां पे अप्रतिस्थापी फिनोल की बात करता हूं, यहां पे फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे क्या जुड़ जाए CH3, उसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। नंबर 3 पे बात करेंगे मेटा क्रिसोल। नंबर 4 पे पैरा क्रिसोल, ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो क्रिसोल में क्या होता है, सूत्र में देखेंगे तो ये OH इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगी CH3। ऐसे मेटा क्रिसोल में क्या हो जाएगा, यहां से OH और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा CH3। पैरा क्रिसोल में क्या होगा, OH और सामने पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा CH3। ऑर्थो मेटा और पैरा, ऑर्थो और पैरा की तुलना की जाए तो ऑर्थो और पैरा की तो क्या होती है, यहाँ पे दोनों की सेम होती है 10.2। पीके का मान कितना होता है, 10.2। मेटा की कितनी होती है, थोड़ी सी कम होती है 10.1, और उसकी कितनी होती है 10.2।
ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे प्रतिस्थापी फिनोलों बात की, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, जिसका फॉर्मूला होता है ऑर्थो नाइट्रो फिनोल का, ये OH यहाँ पे NO को जोड़ दे, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल जो है उसकी जो पीके का जो मान होता है वो होता है 7.2। मेटा नाइट्रोफिनोल इसकी पीक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ओ एच यहाँ पे एन ओ, मेटा नाइट्रोफिनोल इसकी जो पीके का मान होता है वो 8.3 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे पैरा नाइट्रोफिनोल, इसमें होता क्या है, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एन ओ, इसकी पीके का जो मान है वो कितना आता है 7.1। तो इस प्रकार से फिनोल और प्रतिस्थापी फिनोलों की जो तुलना है वो पीके के मान के आधार पर की जाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।